दो जीत गया। यस भैया, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप मुझे जीत नहीं सकते। ऐसी कोई बात नहीं है, दोबारा गेम लगाओ, अभी देख लेता हूँ तुम्हें। चलो अच्छा चलिए देखते हैं, आ जाए। मेरे खुदाया, ये क्या इंसान है? फिर कचरा फेंक गया यहाँ पे। बहुत ही बदतमीज इंसान है ये। उमेर, 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 जान अजाब बना रखी है इस आदमी ने। क्या हुआ, क्यों इतनी झुंझलाई हुई? तंग करके रख दिया यासिर भाई ने। क्या हुआ भाभी, दोबारा कोई शरारत की क्या उन्होंने? हाँ ना, फिर अपने घर का कचरा हमारे घर के आगे डाल के चले गए। कोई बात है? पता था मुझे अब यही करेगा। जब भी इसको किसी चीज से रोको ना, ये यूं ही तंग करना शुरू कर देता है। खैर, करता हूं इससे बात। नहीं नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है उनसे बात करने की। आपको पता है ना कितने झगड़ालू हैं, फिर आपके साथ कोई बदतमीजी कर देंगे। लेकिन भाभी, इस तरह चुप भी तो नहीं रहा जा सकता ना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आराम, हम जैसे लोग इनके साथ कहाँ मुकाबला कर सकते हैं। इन्हें जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। दिल तो चाहता है यूनियन में इसकी कंप्लेन करूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके बीवी बच्चों का ख्याल आ जाता है मुझे। सही कह रहे हैं आप। तुबा भाभी तो बहुत जैसे तबीयत की मालिक है, बेचारी हमेशा माजरत के लिए आ जाती है। अरे वो देखा, फिर आ गई माजरत के लिए। मैं जाके देखती हूँ। आ जाओ, तुम्हें मैं देखता हूँ बेटा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए मैं माजरत चाहती हूँ, आपको परेशानी हुई। मैंने बाहर से सफाई कर दी है, अगर आप इजाजत देती हैं तो मैं अंदर से भी कर देती हूँ सफाई। कैसी बातें कर रही हैं, जो आपकी गलती नहीं है उसका भला जाला आप क्यों करेंगी? गलती उनकी हो या मेरी, बात तो एक ही है। शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि मैं बहुत बेबस हूँ। जानती हूँ, इसलिए मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है। देखिए आप यूनियन में शिकायत मत कीजिएगा, पहले ही उनके पास हमारी बहुत कंप्लेंट्स है। नहीं करेंगे शिकायत, इसे भी शिकायत करने का क्या फायदा है? इससे पहले भी काफी दफा उनको वार्निंग मिल चुकी है, लेकिन आपके हस्बैंड बाज ही नहीं आते। ये तो बस दुआ है कि अल्लाह उनको नेक हिदायत दे। मैं तो दिन रात उनके लिए दुआ मांगती हूँ, अल्लाह जाने मेरी दुआएं कब कबूल हो। अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।